बठला साइकेट्री हॉस्पिटल जो कि करनाल में स्थित है, ये हॉस्पिटल अपने इलाके में बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवाएं दे रहा है। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने डॉक्टर जेसी बठला जी के साथ विशेष मुलाकात की जो कि साइकेट्रिस्ट हैं और अपने इलाके में बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर जेसी बठला जो कि साइकेट्रिस्ट है और पिछले 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया इनको यहाँ अपनी सेवाएं देते हुए। और अभी सोने पे सुहागा ये हुआ कि इनके बेटे जो डॉक्टर मनीष जी हैं वो भी दिल्ली से उच्च विद्या प्राप्त करके यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और डॉक्टर साहब के साथ अटैच है वो भी। और आज जो कैंप लगा है कराड़ों के ऊपर, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, उनकी काउंसलिंग हो रही है और उनको बकायदा ट्रीटमेंट जो है, जिस ट्रीटमेंट के साथ उन्होंने ठीक होना है उसके लिए उनको गाइड किया जा रहा है। डॉक्टर साहब स्वागत है हमारा स्पेशल शो में। डॉक्टर साहब आपका लंबा तजर्बा अबाउट 30 साल का और डॉक्टर साहब की नई मशीनरी, जब ये दोनों का कम्बिनेशन है तो क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़, क्योंकि आजकल मशीनरी बहुत बढ़िया आ गई है, लेकिन आपने क्योंकि आपके हाथों से हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स, आप तो स्मेलिंग करके जैसे उनको स्टाइल, बैठने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, उसी से आप उसकी बीमारी को भाप जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही है हमें नई नई बीमारियों का पता लग रहा है जिनका कि पहले पता नहीं चलता था और हम केवल यही कह देते थे कि उसको गैस हो गई, पेट दर्द हो गया या ऐसे कुछ, जैसे कि थायराइड की बीमारी है, पहले बहुत कम हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि वो कम होती थी, पहले डिटेक्शन नहीं होती थी, पहले पता नहीं लगता था, पहले इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, साइंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो हमें नई नई बीमारी जिनका हमें पहले पता नहीं लगता था अब उनका पता चलने लगा है और उस प्रकार इलाज भी होने लग गया। जिनमें स्लीप, निंद्रा की जो प्रॉब्लम है वो एक पार्ट है कि जिनको नींद ठीक नहीं आती उनको भी ये बीमारी है और कईयों को नींद में सांस की रुकावट आ जाती है जिसको कि एपनिया कहते हैं, तो इसका भी अब समाधान होने लग गया है। तो डॉक्टर मनीष जो कि मेरा बेटा है, क्योंकि हम तो पुराने ज़माने के पढ़े हुए हैं, वो मॉडर्न समय में पढ़ा हुआ है, मॉडर्न साइंस को ज़्यादा जानता है, तो उन्होंने स्लीप की बीमारियों के बारे में स्पेशलाइजेशन की है जिस पे वो अपनी सेवाएं केंद्रित ज़्यादा कर रहे हैं ताकि लोगों को इन बीमारियों का पता लगे और ज़रूरत पड़ने पर उनका इलाज करवा सकें। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें डिप्रेशन की, तो आज डिप्रेशन जो है एक विकराल रूप धारण करता जा रहा है और लोग जिनको अब ये चीज़ के लिए काफ़ी उनको पहले से ज़्यादा नॉलेज हो गई है कि डिप्रेशन को छुपाना नहीं है और इसको हमने डिस्कस करना है, डिस्कस करने के साथ और पेशेंट को बीमारी, क्योंकि ये एक बीमारी है डिप्रेशन, लेकिन लोग जो पहले छुपाते थे और अंडर प्रेशर रहते थे कि नहीं, हमने लोग सोचेंगे पता नहीं ये पागल है, अब ये धारणा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्या कर दें? सबसे पहले तो ये है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से बीमारी भी बढ़ती है और इसी प्रकार का डिप्रेशन जो कि कम से कम 1-2% में होता है
वो भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम धनाढ्य होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे हम इनकम बढ़ती जा रही है, तो ये कंपैरिजन के कारण भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो तकरीबन कहते हैं कि 2-3 साल बाद में कि ये डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी होगी जो कि मृत्यु का कारण बनेगी। जो डिप्रेशन है वो कंपैरिजन से ज़्यादातर होता है। जैसे जैसे हम धनाढ्य होते जा रहे हैं, एक दूसरे के भाइयों में कंपैरिजन होता है और वो एक डिप्रेशन का कारण बनता है। लेकिन कई बार डिप्रेशन ऑटोमेटिक भी होता है, जिसको एंडोजेनस कहते हैं, जिसमें कि सुसाइड होने करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने एंडोजेनस का कहा, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर उनको ये स्टेज स्टार्टिंग में लगती है तो कैसे उनको किसी स्पेशलाइज्ड क्लिनिक में तभी जाना चाहिए और इसके लिए उनको ट्रीटमेंट? इसके लिए बहुत अच्छे इलाज उपलब्ध हैं। अगर शुरू में इलाज किया जाए, अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन किया जाए, रोज़ाना की एक्टिविटी में थोड़ा परिवर्तन किया जाए, तो इस बीमारी को बचाया जा सकता है और लक्षण होने पर उसका इलाज भी पूर्णतः हो सकता है। ये तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लोगों में लेट मैरिज होने के ज़्यादा विचार और चांसेस होते जा रहे हैं, जिसके कारण कि उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी पूर्णतः नहीं होती और वो भी एक बाद में जाके मेंटल इलनेस का कारण बनती है, जिसमें डिप्रेशन एक है। इसका इलाज ज़्यादातर साइकोलॉजिकल है, समझाने से होता है। और जैसे जैसे सेवाएं मानसिक रोग की बढ़ती जा रही हैं, ऐसे ऐसे लोगों में जागरूकता आती जाती है और जल्दी कंसल्टेशन होने से जल्दी इलाज हो जाता है और पूर्णतः इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? 24 आवर हॉस्पिटल है और हर तरह के मरीज, क्योंकि आपका सफ़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप स्कैटरी में भी हैं लेकिन आप एक जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर भी आपका बहुत बड़ा नाम है इस एरिया में, क्या कहना चाहिए? हम यहाँ से लगभग 31 वर्ष से इस हॉस्पिटल से लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। उससे पूर्व मैं 13 साल सरकारी अस्पताल करनाल में भी सेवाएं देते रहे हैं। और इसी के साथ हमने लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 15-16 किताबें लिखी हैं, जो कि मरीज को ज़रूरत पड़ने पर हम फ्री देते हैं। कोई भी किताब की कॉस्ट नहीं है, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो और वो ज़रूरत पड़ने पर उनका इलाज करवा सकें। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आजकल लोग ट्रंकाइजर खा रहे हैं, और एक अच्छा जो बड़े क्लिनिक हैं यहाँ पर इन चीज़ों का इलाज है, उनकी वजह से नहीं, लेकिन अपने आप को जैसे नींद की बात कर ले, हम लोग ट्रंकाइजर खाकर सो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी आपको नींद नहीं आती, आपको कोई मन में उदासी रहती है, तो उनको एक स्पेशलिस्ट के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए और उसके पास जाना चाहिए, और ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल क्योरेबल है? ये 100% क्योरेबल है, प्रोवाइडेड के इलाज जल्दी किया जाए, बीमारी को जल्दी देखा जाए, जल्दी डिटेक्ट किया जाए, कंसल्ट किया जाए और फिर पूर्णतः इलाज किया जाए, खासतौर पर ज़िंदगी की हैबिट्स को सुधारने के बच्चा। डॉक्टर साहब, नशा जो कि एक जहर बन चुका है और काफ़ी फैल रहा है पंजाब हरियाणा में, और उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को वही स्टार्टिंग से ही हम लोग अगर उनको काउंसलिंग करें, उनके साथ अटैचमेंट रखें, आई कॉन्टैक्ट रखें, क्या कहना चाहें? इसके बहुत ज़्यादा कारण है। सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी है कि ये चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जिसके कारण ये नशे की आदतें बढ़ती जा रही हैं और दिन ब दिन एक ये भयानक रूप धारण कर रही हैं। तो सबसे पहले तो सरकार को इसकी अवेलेबिलिटी कम करानी चाहिए, उसके पश्चात और शिक्षा में हॉस्पिटलों में ऐसे सेंटर खोलने चाहिए जहाँ के काउंसलिंग अच्छी तरह के हो सके और इन बीमारी का अच्छी तरह इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, आपने हमें कीमती समय दिया, आप तो एक बहुत बड़ा डाटा है आपके पास, हम लोग चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे हम आपसे अटैच होते रहें और आपकी सेवाएं को हम लोगों से साझी करते रहें। और आज जो एक विकराल रूप धारण कर चुका है स्लीपिंग एपिडेमिया, कराड़े और सुते दिन में लोग जाते जाते सो जाते हैं और इसके कारण बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, इसको देखते हुए आपने और डॉक्टर मनीष ने जो है आज ये उपराला किया, इसके लिए पंजाब प्लस भी आपसे बहुत आपको इस बात की बधाई देता है। और हरियाणा का ये पहला स्लिप क्लिनिक है जो जिस पर हम लोग आज आए हुए हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।
मेरा नाम आमिर अबराय है जी, मेरा नाम संदीप जी है। अज असीं दसन जा रहे हैं कि यह मशीन किस तरह लोगों वास्ते बेनीफिशियल है जी। ये मशीन आती है बेसिकली जिहड़े पेशेंट नूं स्लीप की प्रॉब्लम आती है, रात को सुते सुते उन्होंने प्रॉपरली नींद नहीं आती, रात को सुते थराटे लेंदे ने, या उसके नाल कई उन्होंने अगले आने वाले टाइम से होर बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। वो वाले जो पेशेंट्स होंगे उन्होंने ये मशीन चाहिए होंगी है। ये मशीन के नाल एक मास्क लगता है, मास्क रात को पेशेंट ने अपने फेस से लगा के सो जाना है, तो उसके नाल की होंगे कि जी उन्हों की सह की नली होंगी वो खुली रहती है, तो जो पेशेंट है प्रॉपरली सारी रात सुता रहेगा, तो सवेरे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेगा। अदरवाइज अगर पेशेंट रात को प्रॉपरली नहीं सो पाता तो वह दिन का जी रूटीन वर्क है वह प्रॉपरली नहीं कर पाता अपना, तो टायर्डनैस रहती है। कई पेशेंट्स यहोजे भी आते हैं साढ़े को जो दिन ड्राइव कर रहे होंगे तो ड्राइव करते करते सो जाते हैं, तो उन्हें की है कि एक्सीडेंट होने के चांसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ये पेशेंट यूज़ करता इस मशीन को तो पेशेंट का डेली वर्क है उनके कोई इफेक्ट नहीं आता, तो पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। सर कितना कॉस्टली है ये मशीनरी? सर ये अगर देखा जाए पेशेंट लिए कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अगर एक बार पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता तो उन्होंने अप्रॉक्स 70 to 80 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है, और अगर मशीन की गल करिए 50 to 55 हज़ार की मशीन है सर, और इनकी कोई लाइफ नहीं है, पेशेंट 20-25 साल तक एक ही मशीन यूज कर सकते हैं, बस इन प्रॉपरली मेनटेन करके रखना मशीन। बिल्कुल नहीं जी, बहुत कंफर्टेबल मास्क है, जस्ट इन्हें एयर देनी है, सेंस करके देनी है, जिनी आपको चाहिए अंदर उन्नी देनी है, जो इंस्ट्रक्शन आएगा उदों देगी, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल चलती रहती है, बिल्कुल हवा का एक लाइट जहाँ एक प्रैशर अपन फील हों, जिमें अपना बाइक पर जा रहे हैं तो अपन हवा लगती है उन्नी फील हों। की लगे तो पहला स्लिप क्लीनिक जो हरियाणा डॉक्टर मनीष बत्रा जी ने खोलिया, तो किमें मतलब नाल अटैच हो इस? सर बेसिकली अपने इस एरिया दे विच काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स है जिहड़े असीं पिछले काफ़ी टाइम तो देख रहे सीगे, ते सर ने जिहड़ी इह पहल कीती है बहुत वधिया कीती है, इहदे नाल जिहड़ा है लोकां दे विच अवेयरनेस काफ़ी आएगी। ते अज जिहड़ा कैंप हैगा ते थोड़ा बहुत जिहड़ी मशीनरी उह ते भी डिस्काउंट अज मिल रहा होगा अज दे दिन जिहड़े बुक करांगे लोग? डेफिनेटली डेफिनेटली सर, ये बेसिकली इहदे नाल असीं एक तां 2 साल की वारंटी एक्सट्रा दे रहे हैं जी, सर्दी इस करके 2 साल की वारंटी एक्सट्रा दे रही है, कुछ प्राइस के डिस्काउंट्स अवेलेबल है।